हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना जीमेल अकाउंट कैसे आप सिक्योर रख सकते हो। मतलब आप तो जीमेल अकाउंट, आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट है, जब आप पहली बार फ़ोन खरीदते हो, जब फोन को सब कुछ करते हो, सेटअप करते हो, तो जीमेल अकाउंट के द्वारा सब कुछ करते हो। जीमेल अकाउंट तो आप ज़रूर यूज़ करते हो, ठीक है। आपके फ़ोन में एक नहीं बहुत सारा जीमेल अकाउंट होगा, तो आपका जो मेन जीमेल अकाउंट है वो ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई भी हैक कर लेगा, हो सकता ना। तो उस जीमेल अकाउंट के समझ लो आप बहुत सारे सब काम बहुत काम करते हो, इम्पोर्टेंट है आपका जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो वो कोई अगर हैक कर लेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है आपका। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीमेल अकाउंट कैसे सिक्योर रख सकते हो, ताकि कोई भी दूसरा हैकर कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। कुछ स्टेप आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करें। मैं क्रोम ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करता हो मुझे पता नहीं, पर मेरा सलाह यही है कि आप लोग अगर चाहो तो क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र एक सेफ ब्राउज़र है, ठीक है। और क्योंकि गूगल का ब्राउज़र है, एक कुछ थोड़ा सा भी ये सेफ ब्राउज़र है, और किसी ब्राउज़र यूज़ करोगे तो उतना सेफ नहीं है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपको सबसे पहले 3 डॉट में जाना है, फिर आपको नीचे जाना है, फिर आपको सेटिंग्स आपको मिलेगा, सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर आपका एक ईमेल आईडी का ऐसा होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर दिखेगा, देखिए सिंक एंड गूगल सर्विस सिंक इज ऑन, इसको आपको बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, ठीक है। इसको आप क्लिक करना होगा, फिर नीचे आपको देखिए सिंक योर क्रोम डेटा, इसको आपको ऑफ कर देना होगा। ये आपको एनेबल हो सकता है, इसको आपको सिंपल से ऑफ कर देना होगा, ठीक है। ये पहले स्टेप आपको ऑफ कर देना होगा। और फिर नीचे आपको देखिए ऑटो कॉम्प्लीट सर्चेस एंड URL, इसको भी आपको ऑफ कर देना होगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को सबसे पहले आपको ऑफ कर देना होगा, अभी ऑफ कर दो। फिर बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, देखिए पासवर्ड्स, ठीक है। पासवर्ड्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा सेव पासवर्ड, मतलब पासवर्ड का ये अगर ऑन है मतलब आपका पासवर्ड सेव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना कोई भी यहाँ पर नीचे पासवर्ड अगर आपका सेव है, मतलब आप क्रोम ब्राउज़र में बहुत साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो, जैसे फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे कुछ, अगर इंस्टाग्राम को बहुत सारे कुछ पासवर्ड आपका सेव है, जीमेल का पासवर्ड कुछ भी सेव है, अगर सेव पासवर्ड ऑन है तो सेव रहेगा, ठीक है, हो भी सकता है। तो अगर आपका है तो अगर नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आप क्लिक करना उससे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपको यही करना है कि सेव पासवर्ड, इसको आपको ऑफ कर देना होगा, ठीक है, इसको भी आपको ऑफ कर देना होगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना होगा ताकि कोई पासवर्ड सेव ना हो। और फिर आप बैक जाना, फिर ठीक है, 3 डॉट में क्लिक करना, फिर से नेक्स्ट आपका मिलेगा हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ये देखिए क्लियर ब्राउजिंग डेटा, ठीक है, आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री, इसको आपको अनटिक, ब्राउजिंग हिस्ट्री को आप डिलीट कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, एक उतना मैटर नहीं करता, पर इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब ये दोनों ऑप्शन को आपको क्लियर डेटा कर देना होगा। देखिए कुकीज एंड साइड डेटा, मतलब कुकीज आपको नाम से ही पता चलेगा मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर कैच इमेज एंड फाइल, इन दोनों को आपको क्लियर डेटा करना होगा। देखिए क्लियर डेटा को क्लिक करना होगा, फिर आपको क्लियर कर देना होगा, ठीक है। आपको टाइम टाइम पे इस यहाँ पर आना क्लियर करना होगा ताकि कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो आपको कभी। और फिर आपको क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर सर्च करना होगा गूगल अकाउंट, ठीक है। देखिए गूगल अकाउंट या पर जीमेल अकाउंट को भी सर्च करना, ठीक है, मैं गूगल अकाउंट सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन लेना है गूगल अकाउंट साइन इन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, तभी आपका अकाउंट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। फिर आपको यदि अकाउंट एक इनेबल हो चुका है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या चेक करना होगा, आपको थोड़ा सा साइड जाना है, आपको सिक्योरिटी यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको एक चेक करना होगा यहाँ पर आपको सिक्योरिटी। फिर आपको यहाँ पर देखना, ये देखिए 2-स्टेप वेरिफिकेशन, ये इस ईमेल आईडी पे मेरा ऑफ है, ठीक है। आपको ये चेक करना होगा कि ये अनेबल है या नहीं, इसको इनेबल करने से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी बंदा आपको जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा अगर आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर देते हो। 2-स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये व्हाट्सएप में है, ये फेसबुक में है, सब कुछ में, मतलब एक 2-स्टेप वेरिफिकेशन को आपको इनेबल करना होगा ताकि कोई भी हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल करते हैं जीमेल अकाउंट पे, इस टॉपिक पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को नहीं देखे तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो वीडियो का इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है।
तो आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को उस वीडियो को देखकर टू स्टेप वेरिफिकेशन को आपको अभी का भी इनेबल करना होगा। और एक चीज चेक करना होगा कि आप अपना जीमेल अकाउंट से बहुत सारे एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो, ठीक है, जीमेल कुछ कुछ एप्लीकेशन में अपना जीमेल अकाउंट को देना पड़ता है, ठीक है, तो समझ लो उस एप्लीकेशन को आप किसी रीजन से अनट्रस्टेड है, पर किसी भी रीजन से आप उस एप्लीकेशन को बाद में डिलीट कर देते हो, ठीक है, तो आप समझते हो कि एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया तो मेरा जीमेल अकाउंट अब उसमें तो साइन अप कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो आप मेरा जीमेल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर एक गलत फहमी आपको बिल्कुल नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है, आपको आप जो समझते हो कि एप्लीकेशन डिलीट कर दिया तो मेरा जीमेल अकाउंट उसके साथ कोई कनेक्ट नहीं है, पर दोस्तों ऐसा गलत फहमी आपको नहीं रखना है, वो एप्लीकेशन में फिर भी जीमेल अकाउंट लॉगिन रहता है, ठीक है, तो उसको पूरा डिसकनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा, ठीक है, आपको नीचे जाना है, गूगल वाली ऑप्शन में आपको जाना है, ठीक है, गूगल, ठीक है, गूगल सेटिंग आपको क्लिक करना होगा, आपके फ़ोन में होगा गूगल, गूगल में जाना होगा, फिर आपको देखिए दोस्तों अकाउंट सर्विस, ठीक है, देखिए अकाउंट सर्विस आपको क्लिक करना होगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा कनेक्टेड ऐप्स, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो भी ऐप कनेक्टेड है वो आप दिखा देगा आपका जीमेल अकाउंट से, यहाँ पर देखना, ये देखिए इतना जो है एप्लीकेशन वो कनेक्टेड है अपने जीमेल अकाउंट से, इस जीमेल अकाउंट से, फिर दिखा रहा है, देखिए एंड्रॉइड डिवाइस है तो कुछ नहीं, क्रूक कैचर एक्सेस कर रहा है, माई फाइल्स ट्रैक व्यू व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी जो एप्लीकेशन सेफ है, पर आपको यहाँ पर दिखेगा कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड नहीं किए, पर डाउनलोड किए हो डिलीट कर दिए हो, या पर अनट्रस्टेड एप्लीकेशन या पर कुछ भी आपको दिखेगा, तो उसको आपको सिंपल से तुरंत उसको डिस्कनेक्ट करना होगा, ऐसे करना होगा, जैसे एक क्रूक कैचर एप्लीकेशन है तो इसको मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए तो कोई भी मतलब डिसकनेक्ट है, देखिए कनेक्ट था अभी तक, ये देखिए दिस ऐप कैन एक्सेस जीमेल अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, तो डिसकनेक्ट कर देता हूँ, डिसकनेक्ट, तो एप्लीकेशन आप कनेक्ट नहीं है, देखिए एप्लीकेशन चला गया, मतलब आप पूरा डिलीट हो चुका है एप्लीकेशन, आप ये एक्सेस नहीं कर पाएगा मेरे जीमेल अकाउंट को, ठीक है, फिर और एक एप्लीकेशन है ट्रैक व्यू, इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं आपको डिसकनेक्ट कर देता हूँ ताकि कोई भी एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, तो ऐसे ही आपको चेक करना होगा, और टाइम टाइम पे आपको हमेशा मैं जो क्रोम ब्राउज़र में दिखाया उसको आपको क्लियर करना होगा डेटा, ठीक है, आपको हमेशा सेफ ब्राउजिंग करना है, कोई भी ऐसा कुछ भी जगह पे अपना ईमेल आईडी मत देना, बहुत सारे कुछ आपको ध्यान में रखना होगा तभी आपका जीमेल अकाउंट सेफ रह पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे कि जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर रख सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि आपका दोस्त भी इस ट्रिक को अप्लाई करके अपने जीमेल अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सके। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद है वीडियो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।